सो हमारे साथ हैं सुपर ब्राइट बच्चे, खेतान पब्लिक स्कूल, यहाँ का एक जाना माना स्कूल है। और बच्चों से पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं लड़कों की तरफ। अनुभव, तन्मय मोहन, ईशान, निकुंज, दक्ष, अंशुल, तन्मय, सानवी, आयशा, श्रेया, अंशिका। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आज का पेपर हलवा था, मुझे पता चल गया, तो आपके कितने स्कोर आएंगे 70 में से? 65 से ऊपर। 70, 65, डिपेंड करता है वो चेक कैसे कर रहे हैं। मूड अच्छा हुआ तो अच्छा आ जाएंगे। इजी चेकिंग होगी इस बार। हाँ तो फिर ठीक है, अच्छा आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 65 प्लस, 55 प्लस, 60 प्लस, 70। नजर लग जाएगी, मैं नहीं बता रही। सेम, मैं भी नहीं। 60 55। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी, क्योंकि जो जूनियर बच्चे देखेंगे आपकी वीडियो को उनको हेल्प मिलेगी इससे। एनसीईआरटी नोट्स, नोट्स, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस आए थे आज के। अगर मैं कहूँ एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर केमिस्ट्री तो मैं सही हूँ? प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर से करे और प्लस एनसीईआरटी। पीवाईक्यू करे आपने? क्वेश्चन बहुत है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी नोट्स और सैंपल। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, उसके बाद कोई सा भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लो। निकुंज, ये लड़का स्पेशल है सर, रिटार्डेड, रिटार्डेड स्पेशल हो रही हो ना, स्पेशल चाइल्ड। अरे अरे सर, आप भी आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ, कम फास्ट। विषय के ऐसा पेपर में आ रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? मैं बस एनसीईआरटी और सैंपल पेपर। मैंने तो पूरी किताब दो बार रट ली। एनसीईआरटी? हां, एनसीईआरटी एग्जांपलर ठीक ठाक था, मतलब बहुत मुश्किल है पास होना, बट हर्ष, पता नहीं, हर्षवर्धन। पेपर कितने नंबर का हो गया आपका? मेरा हो गया अराउंड 70 में से 50 का तो हो ही गया था। 70 मार्क्स का नाम बताइए। अनिकेत। कितने नंबर का हो गया? 70 का हो गया, पूरा हो गया, मतलब पूरा कर दिया। आपका नाम बेटा? वानी कपूर। वानी का कितना? मीडियम था। मीडियम, इजी नहीं था पेपर? मीडियम था, मतलब ट्रिकी भी थे। आप भी इतना जी। आपका नाम क्या है? रितिका। लवेश, हाउ वाज द क्वेश्चन पेपर? इट वाज इजी। अच्छा, एक सलाह, एक क्वेश्चन है आप सबसे। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ वैसे, तो नेक्स्ट पेपर आपका फिजिक्स का ये 4 मार्च को, तो आप फिजिक्स को हल्के से ना लें। जैसे आपने केमिस्ट्री देखा होगा इजी पेपर आया, तो फिजिक्स पेपर हार्ड आएगा आपका और लेंदी भी आएगा। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी जो 11th के बच्चे 12th में आएंगे अब, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे एज अ सीनियर, क्योंकि आप तो कॉलेज में चले जाओगे अब, तो एक लाइन में आपको आंसर देना है। ऑर्गेनिक शुरू से पढ़ लेना, कंसिस्टेंसी जरूरी है, एनसीईआरटी बेसिक्स करके चलो ऑर्गेनिक के पूरे ढंग से, टू स्टडी इन बिट्स, हाँ, डे बाय डे एग्जाम्पलर कर लो। लगा बिट्स पिलानी बोल रहा, एग्जाम्पलर कर लो, चक्का लगा इधर से, एग्जाम्पलर कर लो, खत्म। एग्जाम्पलर किया आपने? हाँ। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? कैनिजारो रिएक्शन एल्डोल का एक वेरिएशन है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ही इज ब्रिलियंट, ही इज ब्रिलियंट, डरा नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, उससे आ जाएंगे। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है? अरे मैं तो ना ब्रिलियंट हूँ सर, आप जो क्वेश्चन है उसे डिवेट कर रहे हो, मेरी बात सुनो सर, आपको क्वेश्चन डिफरेंट। हाँ, ये गलत बात है मेरी साइड से सर, पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर से एक महीने पहले कर लो। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। आपकी स्ट्रेटजी क्या? पढ़ ले भाई, इसी से घर चलेगा, घर चलेगा, इसी से घर चलेगा। नहीं मतलब पढ़ाई से तो घर चलेगा, शुरू से ही पढ़ लो। शुरू से पढ़ाई करी आपने? नहीं मैंने नहीं करी, इसलिए असल में यहाँ पेरेंट्स खड़े हैं ना, तो आप डर रहे हो थोड़ा, खुल के नहीं बात कर रहे हो। लास्ट एक महीने अच्छे से पढ़ लो बस। हमारे साथ टीचर भी हैं, आप भी प्लीज प्लीज। आपका शुभ नाम? रचना जैन। आप केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, तो आपके लिए तो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आया और बच्चों ने सारा ही आपकी पढ़ाई की वजह से भी, सब बच्चे 60 से ऊपर ही बता रहे हैं। आपको कैसा फील हो रहा है इस टाइम? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और सच में तो जो स्कूल का पेपर था उससे उसका लेवल एट पार ही था, हाँ, कमी था, तो बच्चों ने अच्छा ही किया है, दे ऑल आर। और खेतान में बहुत पढ़ाई भी अच्छी करवाते हैं। नहीं ऐसे हंसोगे मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत सारे स्कूलों कवर करता हूँ और मैंने भी बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया है, जयपुरिया, रेयान इंटरनेशनल, खेतान मुझे बहुत अच्छा स्कूल लगा आपकी। अब मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, बट आपकी जो बात करने का तरीका, उससे लगता है कि खेतान बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसके लिए मैं चीयर अप करूँगा। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, आपका पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। हाँ, ताली बजा दो मैडम के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी देखो, मैंने तो पूरे साल पढ़ाई करी नहीं, तो बहुत दिक्कत हुई लास्ट में, बट वही बच्चों को एडवाइस देना चाहेंगे कि वो शुरू से पढ़े, वरना लास्ट में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ब्रेक डाउन, बहुत। अगर तुम्हारा सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा है तुम फिर भी कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है उतनी ताकत तो फिर तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सीरियस क्यों हो आप? अभी तो छोटी बच्ची हो, बड़ी नहीं हुई।
ऐसे बच्चा ही रहो। ऑर्गेनिक स्टार्टिंग से पढ़ते चलो, फिजिकल और जो फर्स्ट बुक है वो फिर भी 2 महीने पहले हो जाती है, ऑर्गेनिक स्टार्टिंग से पढ़नी। अच्छा एक सवाल मेरे दिमाग में आया, इधर को जाओ बच्चों बिल्कुल, थोड़ी सी बस 1 मिनट और लेंगे आपकी। ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, सबसे हार्ड क्या है इसमें? और सबसे ज्यादा रटने वाली चीज क्या है? ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन इनऑर्गेनिक रटने वाली है, कैसे एक्सप्लेन करना? K2MnO4 की प्रिपरेशन, K2Cr2O7 के रिएक्शन जो हैं। पर ये सब तो लैब में भी कर सकते हैं हम चीजें बना के, लेकिन वो फिर लॉजिकल नहीं रहता ना उतना ज्यादा, मतलब सो केमिस्ट्री इज नॉट लॉजिकल ये कह सकते हैं हम। बेकार सब्जेक्ट है सर, बहुत रटना पड़ता है, रटना रटने के लिए थोड़ा साइंस। तुम में से बायोलॉजी वाले कितने बच्चे हैं जिनके पास बायो है? सारे मैथ्स वाले हो? तभी सबको इलॉजिकल लगती है। इलॉजिकल आप बायो, बायो का 19 मार्च को है ना? ठीक है। सो एक क्वेश्चन लास्ट है सर कि जैसे अभी आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स के लिए आप किस तरह तैयारी कर रहे हो अपनी? एनसीईआरटी सॉल्वड एग्जांपल्स और ऐसे लोड़ा के कुछ पीवाईक्यू जो मोस्ट रिपीटेड है वो बैक एक्सरसाइजेस और पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के वन शॉट्स और फिर वही एग्जांपल। मेरे पास एक एग्जाम आइडिया है, उसे सारे सैंपल पेपर एक एग्जाम आइडिया के बेस पे मत रहे ना। नहीं नहीं मैं बता रही हूँ, मैं आपको एग्जाम आइडिया है उसके प्रीवियस सारे क्वेश्चंस हैं वो कंबाइन कर लूँगी प्लस एनसीईआरटी और फिर वन शॉट वीडियो देख लूँगी। वन शॉट दैट्स इट एंड डायमंड एंड डायमंड क्वेश्चंस। एनर्जी कैसे इतनी? पापा क्या करते हैं आपके? माय डैड इज एन इंजीनियर। बहुत एनर्जेटिक हो आप। थैंक यू सर। एनसीईआरटी एंड एग्जाम आइडिया से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तन्मय आप बड़े कूल लगते हो यार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छे लगते हो आप। थैंक यू सर। हाँ क्या आइडिया, क्या स्ट्रेटजी आप? तो सर कोई भी बुक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी एंड एनसीईआरटी प्लस अगर जरूरत हो जिस चैप्टर की उसके लिए वन शॉट से एनसीईआरटी और ऐसा होगा। हाँ अगर ज़्यादा जल्दी हो जाएगी एनसीईआरटी और ऐसे में जो क्वेश्चन दिए प्रीवियस ईयर वो वाले। सर भी सर क्या पढ़ाते हैं? म्यूजिक। सर वही एनसीईआरटी नोट्स और पीवाईक्यूज। म्यूजिक वाले ही काम आए ना तुम्हारे, तुम्हें लेने आए एटीसी क्लासेस से पढ़ूंगा। हाँ एक बात बताना भूल गया, मैं अब आज से लाइव पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, अनुराग दिया क्लासेस चैनल है मेरा, और फिर पूरी फिजिक्स करवाऊंगा आपको और जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से पेपर में आने वाला है, तो आप लोग आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। ये अनुराग दिया क्लासेस और एग्जाम जानकारी दोनों जगह आएगा, दो चैनल है हमारे। इंस्टाग्राम पर मैं हूँ द अनुराग तिवारी, उसको फॉलो कर लेना। वो बिल्कुल डालो, आपकी तो पक्का डालूंगा मैं। अच्छा आप क्या बनना चाहते हो? आप क्या बनना? मैं सर जो बन रहा हूँ अभी तो बस निकल रहा, मैं एक्सप्लोर करूँ। कह रहा दूल्हा बनना चाहता हूँ। वो आपने सर वर्ड चेंज करो, बट एक्सप्लोर करूंगा मैं पहले 12th के बाद अपना। डिसाइड नहीं किया है? डिसाइडेड तो है बट उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ रहा है। वो तो जरूरी है पढ़ना, ये टाइम पढ़ने का ही है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ओनली। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट पेपर आपका फिजिक्स का है, अगर हम कोशिश करेंगे यहीं आने की, बट अगर नहीं आ पाए तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास लाइव लेना, और सेमीकंडक्टर चैप्टर, मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी और एसी, इन चैप्टर को ढंग में करके जाना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। सो हमारे साथ हैं सुपर ब्राइट बच्चे, खेतान पब्लिक स्कूल यहाँ का एक जाना माना स्कूल है, और बच्चों से पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं लड़कों की तरफ। अनुभव। तन्मय मोहन। ईशान। निकुंज। दक्ष। अंशुल। तन्मय। सानवी। आयशा। श्रेया। अंशिका। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आज का पेपर हलवा था, मुझे पता चल गया, तो आपके कितने स्कोर आएंगे 70 में से? 65 से ऊपर। 70। 65। डिपेंड करता है वो चेक कैसे कर रहे हैं, मूड अच्छा हुआ तो अच्छा आ जाएंगे। इजी चेकिंग होगी इस बार। हाँ तो फिर ठीक है, अच्छा आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 65 प्लस। 55 प्लस। 60 प्लस। 70। नजर लग जाएगी, मैं नहीं बता रही। सेम मैं भी नहीं। 60 55। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी, क्योंकि जो जूनियर बच्चे देखेंगे आपकी वीडियो को उनको हेल्प मिलेगी इससे। एनसीईआरटी नोट्स। नोट्स एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस आए थे आज के। अगर मैं कहूँ एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर केमिस्ट्री तो मैं सही हूँ? प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर से करे और प्लस एनसीईआरटी। पीवाईक्यू करे आपने? हाँ। भारत पंचाल यूट्यूब प्लस वन। भारत पंचाल सर बहुत अच्छे हैं एंड एनसीईआरटी प्लस इंटेक्स क्वेश्चन बहुत है। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नोट्स और सैंपल। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, उसके बाद कोई सा भी YouTube चैनल उठा के देख लो। निकुंज। ये लड़का स्पेशल है। सर रिटार्डेड। रिटार्डेड स्पेशल बोल रहे हो ना, स्पेशल चाइल्ड मतलब। अरे सर आप भी आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ।
आपकी स्टेट जी क्या थी? मैं बस एनसीईआरटी और सैम्पल पेपर। मैंने तो पूरी किताब दो बार रट ली। एनसीईआरटी? हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ठीक ठाक था, मतलब बहुत मुश्किल है पास होना। हर्ष पता नहीं, हर्षवर्धन। पेपर कितने नंबर का हो गया आपका? मेरा हो गया अराउंड 70 में से 50 का तो हो ही गया था। 70 मार्क्स का नाम बताइए। अनिकेत। कितने नंबर का हो गया? 70 का हो गया, पूरा हो गया। अच्छा, पूरा कर दिया। आपका नाम बेटा? वानी कपूर। वानी का कितना? मीडियम था। मीडियम? इजी नहीं था पेपर? मीडियम था, मतलब ट्रिकी भी थे। आप भी इतना जी। आपका नाम क्या है? रितिका। लवेश, हाउ वाज द क्वेश्चन पेपर? इट वाज इजी। अच्छा, एक सलाह, एक क्वेश्चन है आप सबसे। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ वैसे, तो नेक्स्ट पेपर आपका फिजिक्स का ये 4 मार्च को, तो आप फिजिक्स को हल्के से ना लें। जैसे आपने केमिस्ट्री देखा होगा इजी पेपर आया, तो फिजिक्स पेपर हार्ड आएगा आपका और लेंदी भी आएगा। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी जो 11th के बच्चे 12th में आएंगे, अब उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे एज अ सीनियर, क्योंकि आप तो कॉलेज में चले जाओगे अब, तो एक लाइन में आपको आंसर देना है। ऑर्गेनिक शुरू से पढ़ लेना, कंसिस्टेंसी जरूरी है, एनसीईआरटी बेसिक्स करके चलो ऑर्गेनिक के पूरे ढंग से, टू स्टडी इन बिट्स, हाँ डे बाय डे एग्जाम्पलर कर लो। लगा बिट्स पिलानी बोल रहे हो। एग्जाम्पलर कर लो। इसका लगा इधर से। एग्जाम्पलर कर लो। एग्जाम्पलर किया आपने? हाँ। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? कैनिजारो रिएक्शन एल्डोल का एक वेरिएशन है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ही इज ब्रिलियंट, ही इज ब्रिलियंट। डरा नहीं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, उससे आ जाएंगे। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है? अरे मैं थोड़ा ना ब्रिलियंट हूँ सर। आप जो क्वेश्चन है उसे डिबेट कर रहे हो, मेरी बात सुनो सर। आपको क्वेश्चन डिफरेंट? हाँ, ये गलत बात है। मेरी साइड सर पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर से एक महीने पहले कर लो। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। पढ़ ले भाई, इसी से घर चलेगा। घर चलेगा इसी से? घर चलेगा नहीं, मतलब पढ़ाई से तो घर चलेगा। शुरू से ही पढ़ लो। शुरू से पढ़ाई करी आपने? नहीं, मैंने नहीं करी, इसलिए असल में यहाँ पेरेंट्स खड़े हैं ना, तो आप डर रहे हो, थोड़ा खुल के नहीं बात कर रहे हो। लास्ट एक महीने अच्छे से पढ़ लो बस। हमारे साथ टीचर भी हैं, आप भी प्लीज प्लीज। आपका शुभ नाम? रचना जैन। आप केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, तो आपके लिए तो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा है और बच्चों ने सारा ही आपकी पढ़ाई की वजह से भी, सब बच्चे 60 से ऊपर ही बता रहे हैं। आपको कैसा फील हो रहा है इस टाइम? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और सच में तो जो स्कूल का पेपर था उससे उसका लेवल एट पार ही था, कमी था, तो बच्चों ने अच्छा ही किया है। दे ऑल आर, और खेतान में बहुत पढ़ाई भी अच्छी करवाते हैं। नहीं, ऐसे हंसोगे मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत सारे स्कूलों कवर करता हूँ और मैंने भी बहुत सारे स्कूलों पढ़ाया है, जयपुरिया, रेयान इंटरनेशनल, खेतान मुझे बहुत अच्छा स्कूल लगा। आपकी अब मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, बट आपकी जो बात करने का तरीका, उससे लगता है कि खेतान बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसके लिए मैं चीयर अप करूंगा। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, आपका पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। हाँ, ताली बजा दो मैडम के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी देखो, मैंने तो पूरे साल पढ़ाई करी नहीं, तो बहुत दिक्कत हुई लास्ट में, बट वही बच्चों को एडवाइस देना चाहेंगे कि वो शुरू से पढ़े, वरना लास्ट में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ब्रेकडाउंस, बहुत। अगर तुम्हारा सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा है तुम फिर भी कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है उतनी ताकत तो फिर तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सीरियस क्यों आप? अभी तो छोटी बच्ची हो, बड़ी नहीं हुई, ऐसे बच्चा ही रहो। ऑर्गेनिक स्टार्टिंग से पढ़ते चलो, फिजिकल और जो फर्स्ट बुक है वो फिर भी 2 महीने पहले हो जाती है, ऑर्गेनिक स्टार्टिंग से पढ़नी। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आया, इधर को हो जाओ बच्चों, बिल्कुल थोड़ी सी बस 1 मिनट और लेंगे आपकी। ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, सबसे हार्ड क्या है इसमें? और सबसे ज्यादा रटने वाली चीज क्या है? ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, इनऑर्गेनिक रटने वाली है, कैसे एक्सप्लेन करना? K2MnO4 की प्रिपरेशन, K2Cr2O7 का रिएक्शन जो है। पर ये सब तो लैब में भी कर सकते हैं हम चीजें बना के, लेकिन वो फिर लॉजिकल नहीं रहता ना उतना ज्यादा, मतलब तो केमिस्ट्री इज नॉट लॉजिकल, ये कह सकते हैं हम। बेकार सब्जेक्ट है सर, बहुत रटना पड़ता है, रटना है, रटने के लिए हमने साइंस। तुम में से बायोलॉजी वाले कितने बच्चे हैं जिनके पास बायो है? सारे मैथ्स वाले हो? तभी सबको इलॉजिकल लगती है। इलॉजिकल? आप बायो? बायो का 19 मार्च को है ना, ठीक है। सो एक क्वेश्चन लास्ट है सर, कि जैसे अभी आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स के लिए आप किस तरह तैयारी कर रहे हो अपनी? स्ट्रेटजी क्या था कि किसी को फायदा हो जाए वीडियो देखकर? एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स और ऐसे लड़ोड़ा के कुछ पीवाईक्यूज जो मोस्ट रिपीटेड है, वो बैक एक्सरसाइजेस और पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के वन शॉट्स और फिर वही एग्जांपल।
मेरे पास एक एग्जाम आइडिया है, उससे सारे सैंपल पेपर एक एग्जाम आइडिया के बेस पे मत रहना। नहीं नहीं बता रही हूँ मैं आपको, एग्जाम आइडिया है उसके प्रीवियस सारे क्वेश्चंस है वो कंबाइन कर लूंगी प्लस एनसीईआरटी और फिर वन शॉट वीडियो देख लूंगी। वन शॉट दैट्स इट एंड डायमंड एंड डायमंड क्वेश्चंस। एनर्जी कैसे इतनी? पापा क्या करते हैं आपके? माय डैड इज एन इंजीनियर। बहुत एनर्जेटिक हो आप। थैंक यू सर। एनसीईआरटी एंड एग्जाम आइडिया से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तन्मय आप बड़े कूल लगते हो यार। थैंक यू सर अच्छे लगते हो आप। थैंक यू सर। हाँ क्या आइडिया, क्या स्ट्रेटजी है? तो सर कोई भी बुक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी एंड एनसीईआरटी प्लस अगर जरूरत हो जिस चैप्टर की उसके लिए वन शॉट से एनसीईआरटी और ऐसा होगा। हाँ अगर ज़्यादा जल्दी हो जाएगी एनसीईआरटी और ऐसे में जो क्वेश्चन दिए प्रीवियस ईयर वो वाले। सर भी सर क्या पढ़ाते हैं? म्यूजिक। सर वही एनसीईआरटी नोट्स और पीवाईक्यूज। म्यूजिक वाले ही काम आए ना तुम्हारे, तुम्हें लेने आए। ATC क्लासेस से पढ़ूंगा। हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, मैं अब आज से लाइव पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, अनुराग दे क्लासेस चैनल है मेरा, और फिर पूरी फिजिक्स करवाऊंगा आपको और जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से पेपर में आने वाला है, तो आप लोग आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम आपका। ये अनुराग दे क्लासेस और एग्जाम जानकारी दोनों जगह आएगा, दो चैनल है हमारे। इंस्टाग्राम पर मैं हूँ द अनुराग त्यागी, उसको फॉलो कर लेना। इसमें सर आप इसका ना बड़ी सा कट वर्जन बना के डालो। वो बिल्कुल डालो, आपकी तो पक्का डालूंगा मैं। अच्छा आप क्या बनना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते? मैं सर जो बन रहा हूँ अभी तो बस निकल रहा, मैं एक्सप्लोर करूँ। कह रहा दूल्हा बनना चाहता हूँ। वो आपने सर वर्ड चेंज करो, बट एक्सप्लोर करूंगा मैं पहले 12th के बाद। अपना डिसाइड नहीं किया है? डिसाइडेड तो है बट उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ रहा है। वो तो जरूरी है पढ़ना, ये टाइम पढ़ने का ही है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? एनसीईआरटी ओनली। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट पेपर आपका फिजिक्स का है, अगर हम कोशिश करेंगे ही आने की, बट अगर नहीं आ पाए तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास लाइव लेना, और सेमीकंडक्टर चैप्टर, मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी और AC इन चैप्टर को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।